नमस्कार मित्रों, मैं हर्ष रॉय आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और कमाल के फ्रेश टेक न्यूज़ एपिसोड में। आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ का एपिसोड नंबर 372। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इस प्रकार के वीडियो देख पाएं। बात करें यहाँ पे पहली कमाल की खबर की, तो ये निकल के आ रही है चाइनीज कंपनी ओप्पो की तरफ से। एक्चुअली माफ कीजिएगा, ये खबर है Xiaomi की ओर से। जैसा कि आपको मालूम है कि Xiaomi का एक कमाल का डिवाइस आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है Poco F1। वैसे तो Xiaomi के जितने भी डिवाइस होते हैं बहुत कमाल के होते हैं, लेकिन जो Poco F1 है वो अपने प्राइस के हिसाब से बोले तो एक तरीका का फ्लेक्सिबल डिवाइस है, क्योंकि वहां पे आपको फ्लेक्सिबल के सभी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो प्रोसेसर के रूप में हो या फिर किसी और स्पेसिफिकेशन के रूप में हो। अब यहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि Poco F1 का एक लाइट वर्जन को बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जा सकता है, जहां पे आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 4GB वगैरह का रैम देखने को मिल जाएगा। अब इसे लॉन्च कर दिया जाएगा तब देखेंगे कि आखिरकार Xiaomi यहाँ पे क्या कमाल करता है और इस Poco F1 लाइट का प्राइस क्या होता है। तो बात करें यहाँ पे अगली कमाल की खबर की, तो ये निकल के आ रही है साउथ कोरियन स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग की ओर से। यहाँ पे अगर आप यूज करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 डिवाइस, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि जानकारी सामने निकल के आ रही है कि सैमसंग के इस डिवाइस को एंड्रॉइड का 5 अपडेट मिलना शुरू हो गया है। अर्थात अगर आप इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो आपके डिवाइस में अपडेट देखने को मिल गया होगा। अगर इस प्रकार का अपडेट आया तो अपने डिवाइस को अपडेट कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए इस लेटेस्ट अपडेट को। वहां पे अगली कमाल की खबर निकल के आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल ने अपने एंड्रॉइड के एक और नए वर्जन का ऐलान कर दिया है। वर्तमान में जो लेटेस्ट था वो था एंड्रॉइड का 9 पाई, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया 10, यानी कि एंड्रॉइड क्यू। यहाँ पे आपको कुछ कमाल के फीचर्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए तो इसका पहला स्टेप है, लगभग आपको ये 6 ऑप्शन में देखने को मिलेगा, यानी कि पहला बीटा 1 देखने को मिला है, बीटा 2 देखने को मिलेगा, बीटा 3 देखने को मिलेगा, बीटा 4 देखने को मिलेगा, और जो अंतिम स्टेज रहेगा बीटा 5 और बीटा 6। ये लगभग आपको देखने को मिल जाएगा तकरीबन अगस्त तक के महीने में आपको बीटा 6 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा, उसके बाद लगभग सभी डिवाइसेस के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल के लिए गूगल पिक्सल डिवाइसेस में ये उपलब्ध है। अगर आपके पास पिक्सल डिवाइसेस उपलब्ध हैं, आप यूज करते हैं, तो इन सब डिवाइसेस को आप, यानी कि इन सब अपडेट को आप अपने डिवाइस में अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा, ये अपडेट है बीटा में, यानी कि आपको लगभग तरह तरह के बग्स, तरह तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये आपको शुरुआती दौरान का बीटा देखने को मिल रहा है, अर्थात ये स्टेज बन ही है, बीटा बन आपको देखने को मिल रहा है, और लगभग ऐसे ऐसे 6 स्टेज आपको और देखने को मिलेंगे, जो अंतिम स्टेज रहेगा वो रहेगा बीटा 6। तो अगली कमाल की खबर निकल के आ रही है फिनलैंड के स्मार्टफोन निर्माता कंपनी HMD ग्लोबल नोकिया की तरफ से। अगर आप यूज करते हैं नोकिया का डिवाइस नोकिया 3.1, ये कमाल की खबर आप ही के लिए है, क्योंकि जानकारी देखने को मिल रही है कि इस डिवाइस को भी नोकिया ने एंड्रॉइड 9.0 या फिर 9.1 पाई अपडेट से मुहैया कराना या फिर लैस कराना स्टार्ट कर दिया। अर्थात इस डिवाइस के लिए नया अपडेट एंड्रॉइड 9.0 पाई का मुहैया कराया जा रहा है नोकिया की ओर से। मित्रों बात करें अंतिम खबर की, तो ये निकल के आ रही है चाइनीज कंपनी ओप्पो की ओर से। दोस्तों ओप्पो के डिवाइस Oppo F11 Pro का जो सेल है वो भारत में स्टार्ट हो चुका है। आपको मालूम है काफी बेहतरीन डिवाइस है, आपको अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। लगभग इस डिवाइस का प्राइस 25,000 के आसपास है, 24,990 रुपया। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पॉपअप सेल्फी कैमरा वगैरह, ये आपको देखने को मिल जाएगा लगभग सभी ई कॉमर्स साइट पे, चाहे वो amazon.in हो, पेटीएम मॉल हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर स्नैपडील हो। तो वैसे में आप इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं, आपको एक बेहतर डिवाइस देखने को मिलता है। यहाँ पे अगली खबर निकल के आ रही है साउथ कोरियन स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग की ओर से। दोस्तों सैमसंग ने हाल में ही अपने मिड रेंज में दो नए डिवाइसेस को या फिर बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस को जहाँ पे शामिल है उनका एक नया एम सीरीज उन्हें लॉन्च किया है। यहाँ पे अगर आप M20 को खरीदने में अभी तक असमर्थ में हैं, क्योंकि ये जो डिवाइस है आपको देखने को मिलता था फ्लैश सेल में, तो ये कमाल की खबर आप ही के लिए है, क्योंकि अब इस ये जो डिवाइस है आपको देखने को मिल जाएगा ओपन सेल। मुझे उम्मीद है आपको हमारे ओर से दिया गया टेक न्यूज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के टेक न्यूज एपिसोड देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।